ऑर्थोपेडिक्स सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर के साथ। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जो है कॉमन शोल्डर जॉइंट जो है कॉमनेस्ट जॉइंट है ह्यूमन बॉडी में जो कि डिसलोकेट हो जाता है। अब इट अकर्स मोर कॉमनली इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में ज़्यादातर देखा जाता है, चिल्ड्रंस के केसेस में रेयर होता है। एंटीरियर डिसलोकेशन जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन के कंपेरिजन में। शोल्डर इनस्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एक बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है जो कि शोल्डर की प्रॉब्लम को दिखाता है। वेयर हेड ऑफ ह्यूमरस इज नॉट स्टेबल इन द ग्लेनॉइड, यानी कि जो ग्लेनॉइड कैविटी है उसमें जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो लोकेट क्या नहीं हो पाता, स्टेबल नहीं हो पाता। इट इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम फ्रॉम माइनर इनस्टेबिलिटी और लूज शोल्डर, मतलब कि इसमें दो चीज़ें आएगी, माइनर स्टेबिलिटी यानी कि लूज शोल्डर भी हो सकता है या बहुत बड़ा फ्रैंक डिसलोकेशन भी हो सकता है। तो जो माइनर डिसलोकेशन है या लूज शोल्डर है उसमें क्या होगा, पेशेंट जो है जस्ट उसको पेन होगा शोल्डर में, और उसके साथ क्या होगा जब शोल्डर को यूज़ करता है तब उसको पेन होता है। पेन क्यों होता है, क्योंकि कैप्सूल के स्ट्रेच होने की वजह से। जैसे ही हेड मूव करता है, मूव करता है तो मूव आउट होने लगता है वहाँ पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि सम डायरेक्शन विदाउट एक्चुअली डिसलोकेटिंग, तो मतलब कि कुछ डायरेक्शन में बिना डिसलोकेशन के हेड भी मूव कर रहा है उससे स्ट्रेचिंग हो रही है, उससे पेन होता है। पेशेंट विथ फ्रैंक, जो हमने लूज वाला पढ़ा उसमें तो पेन हो रहा, अब जो फ्रैंक वाला है फ्रैंक इनस्टेबिलिटी, इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड है उसका एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगा। दिस कुड बी पार्शियल मूवमेंट, पार्शियली भी हो सकता है जो कि स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये डिसलोकेट हो जाएगा। इनस्टेबिलिटी में भी इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में भी हो सकती है या बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। इट मे बी इन मल्टीपल डायरेक्शन, एंटीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। देन इसके बाद डिस्कस करेंगे मैकेनिज़म। तो जैसे ही अपन क्या फाल होते गिरते हैं आउट स्ट्रेच हैंड के साथ, हमारा हैंड जो है वो स्ट्रेच है, आउट स्ट्रेच है और हम गिर गए, तो विद द शोल्डर, तो शोल्डर में कैसा है, एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। तो ये मैकेनिज्म मेनली देखी जाती है कि शोल्डर एबडक्टेड और एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा और हैंड की पोजीशन क्या रहेगी, आउट स्ट्रेच, तब इस तरीके का डिसलोकेशन कॉमन रहता है। ओकेशनली कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट हो सकता है, डायरेक्ट फोर्स, मतलब कि ह्यूमरस पे, ह्यूमरस के हेड पे डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से ग्लेनॉइड कैविटी के बाहर वो डिसलोकेट हो जाता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट ब्लो ऑन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर ड्राइविंग द हेड बैकवर्ड, ठीक है, तो हेड बैकवर्ड जाएगा और फ्रंट ऑफ शोल्डर में कुछ ब्लो लग गया, इंजुरी लग गई, तो उसकी वजह से डायरेक्ट ब्लो की वजह से भी हो सकता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। अब यहाँ पे पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक का भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है और कन्वल्जंस का, ठीक है। अब यहाँ पे पैथो एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, पैथो एनाटॉमी, तो यहाँ पे क्या होगा पैथो एनाटॉमी में, एंटीरियर क्लासिफिकेशन हम करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन का तीन टाइप में, इंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन एंड लग्जेट यू इरेक्टा, जिसका नाम है इन्फीरियर डिसलोकेशन। अब इंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होगा कि इस तरीके की इंजुरी में जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये ग्लेनॉइड कैविटी के बाहर आ जाता है और कहाँ लाई करता है, इंटीरियरली। इसके अलावा इट मे बी फर्दर क्लासीफाई इंटू तीन सब टाइप में इसको बांटा गया है, तो हेड डिसलोकेशन के बेस पे जैसे प्री ग्लेनॉइड, सब कोरेगोइड और सब क्लेविकुलर। प्री ग्लेनॉइड में क्या होगा कि जो हेड है वो कहाँ लाई करेगा, ग्लेनॉइड के फ्रंट में, इसलिए प्री ग्लेनॉइड। सब एरेक्नॉइड में क्या होगा कि बिलो कोरेगोइड प्रोसेस के नीचे लोकेट करेगा हेड, और सब क्लेविकुलर में क्या होगा कि जो हेड है ह्यूमरस का वो कहाँ लाई करेगा, क्लेविकल के नीचे, ठीक है, तो सब क्लेविकल। फिर उसके बाद पोस्टीरियर डिसलोकेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन दिस इंजुरी द हेड ऑफ ह्यूमरस कम्स टू लाई पोस्टीरियरली बिहाइंड द ग्लेनॉइड, ग्लेनॉइड के पीछे, तो ये हो गया पोस्टीरियर। उसके बाद आता है लग्जेटियो इरेक्टा इन्फीरियर डिसलोकेशन, इसमें क्या होगा कि रेयर टाइप है और यहाँ पे क्या होगा, वेयर द हेड कम्स टू लाई इन द सब ग्लेनॉइड पोजिशन, सब ग्लेनॉइड पोजिशन में हेड लाई करेगा, इसीलिए इसको ये इन्फीरियर डिसलोकेशन भी इसको बोलते हैं, ग्लेनॉइड के नीचे लाई करेगा। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादातर एंटीरियर डिसलोकेशन में पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पैथोलॉजिकल चेंजेस है बंगार्ट लेजन्स, इसमें क्या होगा
डिसलोकेशन का स्ट्राइपिंग ऑफ द क्लिनोइडल लेब्रम, जो क्लिनोइड लेब्रम है वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिपिंग हो जाएगी और इसके साथ साथ पेरिस्टियम की भी होगी स्ट्रिपिंग, इंटीरियर इन्फीरियर सरफेस ऑफ द क्लिनोइड एंड सब स्केपुलर नेक है, तो स्केपुलर नेक हो गई या क्लिनोइड जो हमारा मेनली क्लिनोइड लेब्रम है उसकी स्ट्रिपिंग हो रही है, ये याद रखना है। बंकार्ट लेजन में अब हेड दस कम्स टू लाई इन फ्रंट ऑफ द स्केपुलर नेक इन द पाउच देयर देयर बाय क्रिएटेड इन सीवियर इंजुरी में क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा, ठीक है। बोन पीस ऑफ बोन फ्रॉम इंटीरियर इन्फीरियर ग्लिनोइड रिम कॉल्ड बोनी बंकार्ट लेजन, तो बोनी बंकार्ट लेजन बोन की वजह से वर्जन होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये सब आपको वर्जन और ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बंकार्ट लेजन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो यहाँ पे आपको ये जो ग्लिनोइड है इसका जो है हो रहा है, ठीक है। तो हेल सैक लेजन, सबसे पहले ये डायग्राम आप ऊपर का देख सकते हैं, नॉर्मल ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें कि हेड ऑफ फीमरस है, उसके पीछे पोस्टीरियर कैप्सूल ग्लिनोइड दिख रही है, पेरिस्टियम इंटीरियर कैप्सूल एंड लेब्रम और सब स्केपुलर इसका टेंडन, तो बंकार्ट लेजन, ठीक है। उसके बाद हिल सैक लेजन, हिल सैक लेजन में क्या होगा, दिस इज डिप्रेशन ऑन द ह्यूमरल हेड इन इट्स पोस्टीरियर लेटरल क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमरस का जो हेड है उसका जो पोस्टीरियर लेटरल क्वाड्रेंट है वहाँ पे डिप्रेशन होगा, कॉज बाय इम्पिगमेंट बाय इंटीरियर एज ऑफ द ग्लिनोइड ऑन द हेड एज इट डिसलोकेट। फिर एक आता है राउंडिंग ऑफ, इसमें क्या होगा, इंटीरियर ग्लिनोइड रिम जो है अकर इन अ क्रोनिक केसेस एज द हेड डिसलोकेट रिपीटेडली ओवर एज, तो यहाँ पे ये जो राउंडिंग ऑफ है इसमें क्या होगा कि इंटीरियर ग्लिनोइड रिम कहाँ अकर होगी, क्रोनिक केसेस में ये देखने को मिलेगी, क्रोनिक केसेस में कि हेड डिसलोकेट हो गया बार बार तो इसकी वजह से इंटीरियर ग्लिनोइड रिम, और एसोसिएटेड इंजुरीज भी हो सकती है जैसे कि ग्रेटर फिब्रोसिटी, इनका भी फ्रैक्चर हो सकता है, रोटेटर कप में टीयर हो सकते हैं, कॉन्डल डैमेज हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या देखने को मिलेगी, पेशेंट जो आया कंसल्ट के लिए तो उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, एबडक्टेड रहेगा उसका शोल्डर और एल्बो जो है उससे उसको दूसरे हाथ से सपोर्ट करेगा, ठीक है, एल्बो को सपोर्ट दे रहा है दूसरे हाथ से। देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑन फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, आउट स्ट्रेच हैंड की फॉल की हिस्ट्री मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, वो शोल्डर को मूव नहीं कर पाता। और ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या, आर्म जो है वो एबडक्टेड देखने को मिलेगी और पेशेंट यहाँ पे नॉर्मल राउंड काउंटर ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज लॉस एंड इट बिकम फ्लैट एंड, चपटा हो जाएगा, राउंड नहीं बचा वो अब फ्लैट हो गया। केयरफुल अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो हम देखने को मिलेगा हमें फुलनेस बिलो द क्लेविकल ड्यू टू द डिस्प्लेस इट, तो फुलनेस देखने को मिलेगी कहाँ पे, क्लेविकल में, क्योंकि क्लेविकल के नीचे अपन को भारी भारी देखने को फुलनेस देखने को मिलेगा। और साथ में क्या होगा, रोटेटिंग द आर्म को रोटेट करके अपन ये इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डुगा स्ट्रेस रहे तो इसमें टच करेंगे तो इनएबिलिटी टू टच द अपोजिट शोल्डर, दूसरे शोल्डर को टच नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं डुगा स्ट्रेस। देन इसके बाद आता है हैमिल्टन रूलर टेस्ट, जिसमें क्या होगा, फ्लटरिंग ऑफ द शोल्डर, इट इज पॉसिबल टू प्लेस रूलर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म, दिस टचेस द एक्रोमियन इन लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे क्या फ्लटरिंग ऑफ शोल्डर हो गया था, तो इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस अ रूलर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म, दिस टचेज द एक्रोमियन, जो कि टच कर देगा एक्रोमियन को रोज को, तो यहाँ पे अपन रूलर रख देंगे जो कि टच करेगा किसको, दोनों चीज़ों को, लेटरल साइड ऑफ आर्म को, मतलब कि कहाँ पे लेटरल साइड ऑफ आर्म को रख देंगे जो कि एक्रोमियन और लेटरल कंडाइल को टच करेगा। तो ये हो गया हैमिल्टन रूलर टेस्ट, और उसके अलावा एक्सरे वगैरह ये सब भी आपको कराना चाहिए। पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो है उसमें कन्वर्जेंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो रिडक्शन अंदर द सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, इमोबिलाइजेशन ऑफ शोल्डर इन अ चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर थ्री वीक, 3 वीक के लिए चेस्ट आर्म बैंडेज के साथ उसे इमोबाइल करना है, मोबाइल
पीटी को बंद करवाना है तो अब जाके वो सही हो जाएगा। आफ्टर बैंडेज रिमूव शोल्डर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइज करवानी जिससे सही हो जाएगा। और टेक्निक्स जो कि रिडक्शन ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, तो कोचर मोनो इवेरे, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जैसे ट्रैक्शन, उसके बाद आ जाएगा एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन, ठीक है, उसके बाद इंटरनल रोटेशन। तो इस तरीके से हमें ये जो रिडक्शन है इसके लिए टेक्निक्स बताई गई है। फिर हिपोक्रेट मोनोवीर है, जिसमें कि यहाँ पे ये सर्जन अप्लाई करते हैं फॉर्म एंड स्टडी पुल सेमी एडक्टेड आर्म, उसको पुल करते हैं, ठीक है, सेमी एडक्टेड आर्म को, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ही कीप हिज फुट इन द एक्सिला अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, द हेड ऑफ ह्यूमरस इज लिवर्टेड बैक इन द पोजिशन यूजिंग द फुट एज अ फल्क्रम। और कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, अर्ली कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा पैरालिसिस हो जाएगा डेल्टोइड मसल का, फिर उसके अलावा स्मॉल एरिया पे एनेस्थीसिया जो लिटल स्पेक्ट ऑफ से शोल्डर पे लगाने को, जिससे एनेस्थीसिया की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है। उसके अलावा लेट कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है कि रिकरेंट डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है, एनाटोमिकली अनस्टेबल जोन जैसे कि माफान सिंड्रोम हो गया, इनएडिकेट हीलिंग देखने को मिल सकती है, और एपिलेप्टिक पेशेंट भी देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट, तो उसके लिए पुट्टी प्लेट ऑपरेशन, जिसमें कि डबल ब्रेस्टिंग ऑफ द सब स्केपुलरिस टेंडन इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके का पुट्टी प्लेट ऑपरेशन किया जाता है। और बैंक्रॉट ऑपरेशन, ब्रिस्टो ऑपरेशन, तो ये बैंक्रॉट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, और साथ क्योंकि ब्रैंकॉट लिजन हुए थे, ब्रिस्टो ऑपरेशन किया जाता है। और आर्थोस्कोपिक ब्रैंकॉट रिपेयर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रैंकॉट लिजन, और उसके लिए जो ब्रैंकॉट ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि ब्रैंकॉट ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि द ग्लेनोइड लिब्रम एंड द कैप्सूल आर रीअटैच टू द फ्रंट ऑफ द ग्लेनोइड रिम, ग्लेनोइड रिम के फ्रंट में फिर उसको रीअटैच कर दिया जाता है, ग्लेनोइड लिब्रम एंड कैप्सूल को फिर से अटैच कर दिया जाता है। और ब्रिस्टो ऑपरेशन, इसमें क्या होगा कि कोरेकोइड प्रोसेस है, उसको अलॉन्ग विद अटैच मसल इज ऑस्टियोमाइज्ड एट द बेस एंड फिक्स टू लोअर हाफ ऑफ द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द ग्लेनोइड, द मसल अटैच टू द कोरेकोइड प्रोवाइड डायनेमिक इंटीरियर सपोर्ट टू द हेड ऑफ द ह्यूमरस।